हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बजट पीसी बिल्ड करने वाले हैं जो अराउंड 40 to 50,000 के अंदर ही आ जाएगा, बन जाएगा। इसमें हमारा कैबिनेट यूज़ कर रहे हैं एनटेक का NX200 और प्रोसेसर में है राइजन 5 का लेटेस्ट थर्ड जनरेशन राइजन 5 3500। मदरबोर्ड में यूज़ कर रहे हैं MSI का B450 Pro VDH Max और पावर सप्लाई में कोर्सियर का VS550, रैम में कोर्सियर वेंजेंस का 3200 MHz का 8 GB का 16 GB रैम और ग्राफिक कार्ड में GTX 1050 Ti। ये 1050 Ti मेरे पास पहले से था इसलिए इसको लगा रहा हूँ, बाद में इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। और SSD में हम यूज़ कर रहे हैं किंगस्टन का 480 GB। ओके, और मैकेनिकल हार्ड ड्राइव भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप अपग्रेड कर रहे हैं तो आपके पहले से मैकेनिकल हार्ड ड्राइव होगा तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नया लेना चाहें नया ले सकते हैं, वो आजकल बहुत चीप हो गया है। ओके, मेरे पास 2 TB सीगेट का है, 2 TB हार्ड डिस्क, तो हम उसको यूज़ करेंगे। चलिए अब इसको असेंबल करते हैं। चलिए आज अनबॉक्सिंग करते हैं मदरबोर्ड। पहले B450, ये प्रो VDH मैक्स है। मैक्स मीन्स ये रेजन 3 थर्ड जनरेशन रेडी है, इसमें कोई बायोस अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये ऑन द बॉक्स आप प्ले कर सकते हैं, यानी लगा सकते हैं थर्ड जन। देखते हैं इसके अंदर क्या आता है। मदरबोर्ड और इसके साथ एक्सेसरीज में आता है 2 सेटा केबल, एक आयो शील्ड, MSI का ट्रू गेमिंग। ये प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कुछ MSI के बारे में, और एक आपका ड्राइवर CD। ऑनलाइन आप डाउनलोड करने ज़्यादा अच्छा लेटेस्ट, और एक MSI का गेमिंग लोगो ट्रू गेमिंग, और एक MSI का प्रोटोकॉल। ये आपका अगर आप M2 लगाना चाहते हैं तो M2 का ये स्क्रू दिया है, लगा सकते हैं। एक इंस्टॉलेशन गाइड कैसे आपको फिटिंग करना है उसके। चलिए इसको हटाते हैं, इसको कोई यूज नहीं। ये पन्नी को आप फेंके ना, इसको नीचे रखें, इसी के ऊपर अपना मदरबोर्ड रखें। ये देखिए, चलिए अब इसमें अब ये प्रोसेसर राइजन 5 3500, 6 कोर 6 थ्रेड, बूस्ट क्लॉक है आपका 4.1 और बेस क्लॉक है 3.6 GHz का। चलिए अब इसको ओपन कर देते हैं। ये रहा इसका प्रोसेसर 5 3500 और इसके साथ होता है ये CPU कूलर। इसमें प्री अप्लाइड थर्मल पेस्ट है, हमको एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। प्रोसेसर फिट करते हैं, चलिए इसको ऊपर कर देंगे। इसे गोल्डन जो पिन से इसको टच नहीं करेंगे हैंड से।
कोई प्रेसेट आने की जरूरत नहीं, सिंपल आप सॉकेट में रखा जाएगा और आप इसको इंस्टॉल कर दीजिए, ये सीपीयू आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, अब इसको फिट करने के लिए पहले आपको ये सॉकेट निकालना पड़ेगा। एक मिनट, इसको आप फेंकेंगे नहीं, इसको आप अपने पास रखेंगे सही सलामत, क्योंकि बाद में अगर आप सीपीयू कूलर अपग्रेड करना चाहते हैं तो उसमें कई ठो सॉकेट, ये जो लैच दिख रहा है ये उसमें फंसने वाला रहता है, तो इसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है बाहर, आप ये सॉकेट में फंसता है, नया अगर सीपीयू कूलर लेते हैं तो कई सीपीयू कूलर में इस टाइप से रहता है, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अब इसको डायगोनली हम टाइट करेंगे, पहले इधर फिर इधर डायगोनल में। ओके, ये सीपीयू कूलर इंस्टॉल हो गया। अब ये सीपीयू का आपका फैन हेडर है, इसको आप यहाँ लगा देंगे। ये लग गया आपका सीपीयू कूलर इंस्टॉल। अब हम रैम इंस्टॉल करेंगे। ये रैम हम अनबॉक्सिंग कर लिए हैं, ये देखिए रैम, ये 32 मेगाहर्ट्ज़ का है, 8 GB का सिंगल स्टिक, देख रहा होगा आपको। ओके, इसको इंस्टॉल करते हैं। इसका इंस्टॉल करने का सही तरीका है आपका, ये आपका मदरबोर्ड भी लिखा है, ये सीपीयू से सेकंड स्लॉट एंड फोर्थ स्लॉट। ओके, तो हम उसमें इंस्टॉल करेंगे। रैम इंस्टॉल हो गया, चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं हम एनटेक का NX200। काफ़ी बजट कैबिनेट है और मेरे को ये 2500 में पड़ा है।
ये देखिए ये आरजीबी स्ट्रिक है, तो चालू में आरजीबी जलेगा। और उसमें देख सकते हैं आई पोर्ट, इसमें यूएसबी 3.0 का वन पोर्ट है, तो यूएसबी 2.0 का वन पोर्ट है, दो पोर्ट है। और ये आपका एलईडी, ये आपका एलईडी जो आरजीबी है उसको कंट्रोल करने का स्विच है और एक ऑन ऑफ का स्विच है। और ये आपका इंडिकेटर है एलईडी। ऊपर में आपको डस्ट फिल्टर मिल जाता है जो मैग्नेटिक है। आपको इस तरफ एक्रेलिक पैनिक मिलता है, इसमें टेम्पर ग्लास नहीं मिलता है। और 2500 में आप क्या उम्मीद करोगे यार। इसमें थम्स स्क्रू दिया है, देख सकते हैं। इसमें SMPS स्लॉट भी दिया है, जो कि इस बजट में SMPS स्लॉट देना बहुत कम कैबिनेट में मिलता है। और एक प्री इंस्टॉल्ड बैक फैन दिया है, फ्रंट में कोई फैन नहीं है, एक प्री इंस्टॉल्ड बैक फैन है बस। बाद में इन फ्यूचर मैं इसमें और फैन इंस्टॉल करूँगा। साइड पैनल भी ओपन कर लेंगे, इसको केबल मैनेजमेंट में आसानी होगी। देखिए इसमें बल्ज आउट दिया है, जो आपको केबल मैनेजमेंट में काफ़ी आसानी होगा करने में, केबल मैनेजमेंट करने में। और देख सकते हैं यहाँ पर नीचे में आपको दो हार्ड डिस्क लगाने का जगह है, ट्रे दिया है। और यहाँ पर आप अपना SSD माउंट कर सकते हैं, दो SSD माउंट टैकेट दिए हैं। यहाँ पर आपका मदरबोर्ड पावर प्ले दिया है, आपका 8 पिन CPU पावर, और काफ़ी अच्छे सॉकेट दिए हैं केबल मैनेजमेंट के लिए। और इसके साथ बेटर है आपका ये आपका USB हेडर है, HD ऑडियो का हेडर है, और USB 3.0 का लग रहा, पावर स्विच, हार्ड डिस्क का LED, और आपका ये सामने में जो आपका RGB लाइटिंग है उसका कनेक्टर, पावर कनेक्टर, और ये पावर LED का है। ओके, और इसके साथ आते हैं कुछ स्क्रूज, स्क्रूज स्टैंड ऑफ स्क्रूज है, और आपका बड़े वाले आपका फैन कनेक्ट करने के लिए, बाकी हम देखेंगे जब जाए पड़ेगी इसके लिए। देखिए हम इसमें पावर सप्लाई इंस्टॉल कर दिए हैं पहले, ठीक है। ऊपर से ये CPU के लिए पावर केबल है 8 पिन, ओके। इसको हम यहाँ से राउट कर लिए हैं ऊपर में, अब हम मदरबोर्ड इंस्टॉल करेंगे, ओके। जैसे देख सकते हैं ये CPU पावर केबल है 8 पिन, ओके। अब हम IO शील्ड इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले IO शील्ड इसको भूल जाए ना, मेरे कई बार ऐसा होता है आप मदरबोर्ड इंस्टॉल कर लिया IO शील्ड भूल गए। जैसे क्लिक की आवाज़ आएगी आप समझ जाएंगे कि लग गया पावर, हल्का सा प्रेशर लगाना पड़ेगा। पावर स्विच अपनी जगह लग गया, देखिए मदरबोर्ड लगाने से पहले इसमें आप स्टैंड ऑफ देख लेंगे, है ना। ये मदरबोर्ड स्टैंड ऑफ है, इस मदरबोर्ड में 7 स्क्रूज स्टैंड ऑफ लगेंगे, इसमें से 4 लगे थे, मैंने ये तीन मैंने लगाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6
और ये आपका सातवां, ये सातवां, ओके सेवन लगेंगे। इसमें आप धीरे से इस तरफ सरकाते हुए लगाएंगे, मदरबोर्ड को हम स्क्रू लगा रहे हैं। सबसे पहले आप एक स्क्रू लगा दें फिक्स करने के बाद बीच में, उसके बाद आप सब जगह टाइट कर दें स्क्रू। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, मगर इतना टाइट करें आपको खुद पता चल जाएगा। देखिए मैंने सब कंपोनेंट फिट कर दिए हैं, ग्राफिक कार्ड, रैम, प्रोसेसर, और जहाँ तक हो सके मैंने केबल मैनेजमेंट करने की कोशिश की है, यानी अच्छा करने की कोशिश की है, मगर इसमें थोड़ा दिक्कत था, मगर हो गया। अब बजट कैबिनेट से अब क्या उम्मीद करते हैं आप, मगर ठीक ठाक है, उतना बुरा भी नहीं है। और इसको मैंने आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक बजट मॉनिटर जो कि IPS पैनल है 22 इंच बेनक्यू का, जिसका मॉडल नंबर है GW2283। ये बहुत ही अच्छा मॉनिटर है, बेजललेस मॉनिटर है, और बजट जिसको बजट में मॉनिटर लेना है 1080p उसके लिए बहुत अच्छा है। इसका स्पेसिफिकेशन है ये फुल HD है, 1920x1080p, और इसका रिस्पांस टाइम है 5 ms 5 millisecond, और बेजललेस डिज़ाइन है, और IPS पैनल है, ठीक है। तो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, देख सकते हैं ये एक पैक है, मैंने अभी तक इसको ओपन नहीं किया है, तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। अंदर देखते हैं क्या क्या आता है, इसको पूरी तरह से बाहर निकाल लेते हैं। ये रहा बॉक्स IPS बेनक्यू की तरफ से आई केयर के साथ, ये ब्लू लो ब्लू लाइट टेक्नोलॉजी से भी आता है, जिससे आपके आई में कम स्ट्रेस पड़ता है। देखिए जैसे इसके साथ आता है एक VGA केबल, तो VGA केबल टेक्नोलॉजी तो काफ़ी पुरानी हो गई है, मगर फिर भी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास इस टाइप से मॉनिटर हो तो। और इसके साथ आता है एक टैग, जिसमें एक ऑफिशियल वारंटी कार्ड है, और एक सॉफ्टवेयर CD सॉफ्टवेयर, उसको कोई यूज़ तो करता नहीं है, चाहे यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। और इसके साथ आता है स्टार्ट गाइड है बेनक्यू की तरफ से, इसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा है आपको कैसे फिटिंग करना है, और इसमें जो पोर्ट्स आते हैं वो क्या क्या यूज़ किए हैं, ये सब दिया है इसमें। और देख लेते हैं, और इसके साथ एक पावर केबल आता है, एक पावर केबल है 3 pin, इसमें कोई अडाप्टर नहीं आता। पावर केबल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है इसमें, और इसमें एक स्टैंड है, टेबल टॉप स्टैंड, काफ़ी हेवी है, हार्ड प्लास्टिक है प्लस एल्युमिनियम है बेस पर, और एक जो आपके टेबल टॉप स्टैंड और मॉनिटर को कनेक्ट करता है वो ये स्टैंड है, काफ़ी हेवी है,
बिल्ड क्वालिटी अच्छी है इसकी, ठीक है। अब देखते हैं मॉनिटर, ये रहा हमारा 22 इंच का IPS फुल HD मॉनिटर। जैसे कि आप देख सकते हैं साइड में बेजल लेस है पूरा, देखिए कितना पतला है साइड से, थ्री कॉर्नर में, थ्री साइड्स में एकदम बेजल लेस है, नीचे में बस है, देख सकते हैं। मैट फिनिश में डिस्प्ले है, ग्लॉस नहीं है, जिससे आपको रिफ्लेक्शन कम आएगा, ओके। और नीचे देख सकते हैं इसमें ये कंट्रोल स्विच है, जिसमें कि स्टार्टिंग के थ्री स्विच 1 2 3 प्रोग्रामेबल है, कस्टम स्विच है जिसको आप अपने हिसाब से कस्टम प्रोग्राम कर सकते हैं। और ये इसका पावर स्विच है, और इसमें देखते हैं क्या 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 पोर्ट दिया है। इसमें दो HDMI पोर्ट दिए हैं, एक VGA पोर्ट है, एक हेडफोन जैक है, एक ऑडियो इन है, एक हेडफोन जैक है। इसमें पीछे में बैंक्यू की ब्रांडिंग दी गई है, ये भी मैट फिनिश है। इसमें वॉल माउंट का भी दिया है, वैसा माउंट बोलते हैं जिसको आप चाहें तो वॉल में भी माउंट कर सकते हैं। इसको स्टिकर निकालेंगे, काफ़ी अच्छी मॉनिटर है, हैवी बिल्ट भी अच्छी है, आप भी देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन मॉनिटर। ओके, इसको बाद में मैं आपको सेटअप करके ऑन करके दिखाता हूँ। ये स्टैंड कैसे फिट करना है वो मैं आपको बताता हूँ, सिंपल है। ये इस पार्ट को इसमें लगाइए, ये लग गया, उसको चाहे तो आप हाथ से ही टाइट कर सकते हैं। हाथ से टाइट हो गया, ये टाइट हो गया। अब इसको इसमें मॉनिटर को लगा देंगे, जैसे क्लिक की आई, क्लिक की आवाज आई मतलब समझिए लॉक हो गया। अब इसको अगर निकालना है तो यहाँ पर रिलीज का एक स्पॉट दिया है, जिसको आप प्रेस करके इसको वापस निकाल सकते हैं, ओके। और ये जो दिख रहा है ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है, जो कि आपको केबल मैनेजमेंट में काम आएगा। इससे जो पावर केबल और जो HDMI केबल या VGA केबल जो आप निकालना चाहते हैं उसके अंदर छूट जा सकता है, ये देखिए आ सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ पावर केबल से, एक मिनट ये देखो, यहां से केबल लगा और उसमें ये देखिए केबल लगा दिए। अब इसको वापिस लगा लिया, देखिए सामने से आपको दिखाई भी नहीं देगा केबल, बहुत ही अच्छी फीचर से आ सकता है, ओके। देखिए मैंने फर्स्ट बूट कर दिया है, और देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिना कोई प्रॉब्लम चल रहा है। RGB लाइटिंग बहुत ही अच्छा लग रहा है एक बजट कैबिनेट के हिसाब से। और फर्स्ट बूट लगा दिया है मैंने, मैंने एक बूटेबल पेंटर लगा के विंडोज 10 इंस्टॉल करने के लिए लगा दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं मॉनिटर में विंडोज 10 ओके। अब मैं सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको
गेम्स रन करके शो करते हैं। ओके,